हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि बदमाश हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने में भी कोई गुरेज नहीं समझते। घटना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां बदमाशों द्वारा एक युवक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मंगलवार की रात मृतक अपनी स्कूटी पर सवार होकर अपने जनसेवा केंद्र को बंद करके घर लौट रहा था। घायल युवक को खुर्जा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मौत की खबर से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अगर मृतक के भाई की माने तो हमलावर उसी के करीबी रिश्तेदार है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 नामजद और 2 अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 3 व्यक्तियों के नाम दर्ज रिपोर्ट करी, जिसमें एक आसम मोहम्मद है, फतेह मोहम्मद है, एक वकील है, 2 अज्ञात है। 5 लोगों ने ताबड़तोड़ गोली करी थी, चलाई थी घर से। वो जनसेवा केंद्र बंद कर कर घर से घर को लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने गोली चला दी, उनकी हत्या हो गई। उपचार के दौरान क्या कारण रहा जो उन पर गोली? पुरानी रंजिश मानते हैं वो लोग। घटना कब की है? कितने लोग थे कुछ पता चल सका? 5 लोग थे जिन्होंने गोलियाँ चलाई और पुलिस को शिकायत भी कर दिया। पुलिस को लिखित में मैंने तहरीर दे दी, 3 लोगों के नाम दर्ज दिए, 2 अज्ञात हैं। ये देखिए, अभी बहुत प्राथमिक दौर है, लेकिन फिर भी हम लोगों को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। अभियुक्तों के बारे में जानकारी भी मिली है और हम कोशिश करेंगे 24 घंटे में अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अनावरण करें। सर, कोई शुरुआती जांच में कारण पता चल सका किन कारणों के चलते? हाँ, पुरानी रंजिश है, लेकिन अभी इस लेवल पे, इस स्तर पे जो है FIR भी नहीं दर्ज हुई है अभी। बुलंदशहर SSP की ओर से दावा किया जा रहा है कि हत्याकांड में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। अगले 24 घंटे के अंतर्गत आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।